नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे बैच फ्लावर्स भी डॉक्टर अमित के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, फिल्म पर्सनालिटीज और उनके बैच फ्लावर कॉम्बिनेशंस। सो उसी सेगमेंट में इस बार हम देखने वाले हैं एक रियल लाइफ पर्सनालिटी। अब तक जो हमने दो देखे थे पर्सनालिटीज, माया साराभाई और हंसा पारेख, वो सीरियल वाले पर्सनैलिटीज थे, वो कैरेक्टर्स थे। लेकिन आज हम देखने वाले हैं, या फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आमिर खान जी को। सो आमिर खान, अगर उनको जो भी हम जानते हैं उनके बारे में, ऑब्वियसली पूरा का पूरा उनका व्यक्तित्व तो हम नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो उनके साथ रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनको ज़्यादा जानते हैं। हमें जो जानकारी मिलती है वो जो इंटरव्यूज दे वो जो देते हैं, या फिर उनके बारे में जो लिखा हुआ रहता है। सो वी हैव अ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन अबाउट अबाउट हिम, और अबाउट एनी ऑफ दीज सेलिब्रिटीज। लेकिन जो हमें हम जानते हैं, जिससे हम उनको पहचानते हैं, जिस भी चीज़ से, उनसे उनके उस पर डिपेंडेंट हम वील ट्राई टू फाइंड आउट हिज बैच फॉर कॉम्बिनेशन। सो जो बिल्कुल कॉमन चीज़ है जो उनके बारे में बोला जाता है, इज हिज परफेक्शनिज्म। इफ यू से आमिर खान, और अगर आपने कहा शाहरुख खान, तो शाहरुख खान काफ़ी बबली किस्म के आदमी हैं, काफ़ी सोशल है, लोगों से मिलता है कई बार, बात काफ़ी अच्छे करता है। ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड अ वेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड। आमिर खान जी भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, सो वी नो आमिर खान एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, समबडी हु इज़ वेरी पर्टिकुलर विथ द थिंग्स। छोटी मोटी चीज़ें भी काफ़ी वो बारीक डिटेल में जाके देखते हैं, स्क्रिप्ट की, फिल्म की, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन की। सो ही इज डिटेल्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन कंपेयर टू शाहरुख खान, वो इतने सोशल नहीं लगते मुझे। ही रिमेंस अवे फ्रॉम फिल्म पार्टीज, ही रिमेंस अवे फ्रॉम द प्राइज सेरेमनीज, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये जो अवार्ड सेरेमनीज रहता है, उनसे भी काफ़ी वो दूर रहता है। Because he believes that his solitude and his personal space is very important to him. मुझे लगता है जैसे अक्षय कुमार है, वैसे ये भी काफ़ी strict और disciplined रहेंगे जिंदगी में। जैसे 10 बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये खाना है, वो खाना है। If you see his dedication, जो उन्होंने दंगल में दिखाया था, पहले वजन बढ़ाया, फिर वजन कम किया, and the way he has done it. सो ही इज ऑलवेज अ पैशनेट पर्सन, काफ़ी पैशन से सब चीज़ें करते हैं, काफ़ी डिटेल से करते हैं, काफ़ी बारीकियों से करते हैं। लेकिन उसके साथ और एक उनके बारे में काफ़ी बोला जाता है कि कई बार वो स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंजेस, थोड़े भी नहीं, काफ़ी सारे चेंजेस सुझाते हैं। जैसे उनको लगता है कि ये एंट्री ऐसे होनी चाहिए हीरो की, या फिर ये ऐसे बोलना चाहिए, ये डायलॉग ऐसे होना चाहिए। सो ही अभी काफ़ी जो उनके नज़दीक है लोग, वो ज़्यादा इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आइदर एक थोड़ा सा डोमिनेशन भी होता है, या फिर क्योंकि उनको वो सही लगता है, और कई बार वो सही भी होता है, वो थोड़ा सा पुशी हो जाते हैं। सो आइदर इट इज़ पुशी, या फिर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है उनका, कि वो थोड़े से अपना जो उनका ओपिनियन रहता है, अपना जो उनका देखने का नज़रिया रहता है स्क्रिप्ट के बारे में, फिल्म के बारे में, वो थोड़ा सा डायरेक्टर के ऊपर वो थोप देते हैं, ऐसे बताया जाता है। सो इफ़ यू कंबाइन ऑल दीज क्वालिटीज जो हमने उनके बारे में बोली है, सो द बैच फॉर कॉम्बिनेशन दैट आई कैन थिंक अबाउट फॉर मिस्टर आमिर खान इज वाटर वॉयलेट, क्योंकि वो ज़्यादा सोशल नहीं है, वो थोड़ा सा परफेक्शनिज्म है, थोड़ा सा ही इज़ डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री। जो पर्टिकुलरनेस है, जो क्रिटिसिज्म है, वो थोड़ा सा परफेक्शनिज्म है, इट गोज मोर टूवर्ड्स बीच एंड क्रैब एप्पल, क्योंकि ही इज़ वेरी परफेक्ट एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट माइन्यूट थिंग्स, ही इज वेरी फैस्टिडियस। डिसिप्लिन के बारे में मुझे लगता है रॉक वाटर विल बी अ सूटेबल थिंग, एंड आइदर वाइन और वर्विन इज समथिंग दैट आई कैन थिंक अबाउट फॉर हिज सजेस्टिव, डोमिनेटिंग या पुशी नेचर। नाउ दैट वेदर इट इज़ अ सजेस्टिव और वेदर इट इज़ अ पुशी और वेदर इट्स अ डोमिनेटिंग,
दैट आई थिंक हिज क्लोज पीपल विल बी एबल टू टेल कि एग्जैक्टली किस प्रकार का है. लेकिन दिस इज द कॉम्बिनेशन वाटर वॉयलेट बीच क्रैब एप्पल रॉक वाटर वाइन एंड और वर्विन. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट आई कैन थिंक अबाउट फॉर मिस्टर आमिर खान. तो इसी प्रकार से अगर आपको जो आपने जो पहले दो वीडियोस थे उसका उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था. कोई एक दर्शक है, उन्होंने मुझे पूछा है कि प्रेम चोपड़ा, अनिल कपूर और अमरीश पुरी का भी आप इसी प्रकार से डिस्कस कीजिए. तो अगर आपके मन में कोई इन तीनों का या फिर और भी कोई अगर कैरेक्टर है किसी फिल्म का, जैसे मोगैम्बो है या फिर प्रेम चोपड़ा का कोई कैरेक्टर है जो आपके मन में है किसी फिल्म का, तो वो फिल्म का नाम बताइए ताकि मैं भी वो फिल्म देख सकूं मेरे वीकेंड में, और फिर उसके उस कैरेक्टर के बारे में वी कैन थिंक अबाउट. या फिर अगर आपको लगता है कि इस पर्सन का, जैसे जैसे आमिर खान जी है कि वो परफेक्शनिज्म है, तो ये मिस्टर परफेक्ट आमिर खान के लिए क्या देना चाहिए, ऐसे भी आप पूछ सकते हैं कि कोई आदमी, कोई पर्सनैलिटी, कोई सेलिब्रिटी और उनका जो उनके स्वभाव का जो पहलू आपको आपको लगता है कि जिस पहलू पे एक्चुअली चर्चा होनी चाहिए उसके ऊपर कोई फ्लावर रेमेडीज का कोई बात होनी चाहिए, तो वो पहलू भी आप उसमें लिख सकते हैं और उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं. सो डू सेंड योर कॉमेंट, सजेशंस एंड इनपुट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स इन कॉमेंट बॉक्स, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विथ पीपल अराउंड. वी नीड मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स टू इंक्रीज अवर फैमिली. और इसी प्रकार से बैचलर रेमेडीज के वीडियोस देखने के लिए कीप इन टच विथ अस, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम नेक्स्ट पर्सनैलिटी और आइदर अ कैरेक्टर. उस तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.